नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश की, जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। सीएम जहां लगातार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे हैं, वहीं आम लोगों के साथ साथ कुछ जनप्रतिनिधि नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उधर कोरोना के बढ़ते केस के बाद अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या एमपी में एक और लॉकडाउन होना चाहिए। इन चर्चाओं के बीच अटकलें ये भी हैं कि महाराष्ट्र से लगते कुछ जिलों में सख्ती और बढ़ाई जा सकती है। आज बहस इसी मसले पर कि कैसे अब कोरोना को रोका जाएगा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है सर आपका। रजनीश अग्रवाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, रजनीश जी आपका भी स्वागत है। अमीनुल खान सूरी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सर आपका भी स्वागत है। तीनों खास मेहमान से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट दर्शकों को दिखा देते हैं। एमपी में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि मुख्यमंत्री कोरोना की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े अब डराने लगे हैं। एमपी में अब तक कोरोना के करीब 2,61,000 केस सामने आ चुके हैं, जबकि करीब 3,859 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में बढ़ते एक्टिव केस की बात करें तो 17 फरवरी को 1,863, 18 फरवरी को 1,909, 19 फरवरी को 1,954, 20 फरवरी को 1,994, 21 फरवरी को 2,051, 22 फरवरी को 2,104, 23 फरवरी को 2,149, 24 फरवरी को 2,270 और 25 फरवरी तक 2,435 एक्टिव केस हो गए। उधर बात करें भोपाल और इंदौर की, तो यहां भी लगातार बढ़ते एक्टिव केस चिंता बढ़ा रहे हैं। 22 फरवरी को इंदौर में 660 तो भोपाल में 495 एक्टिव केस थे। वहीं 23 फरवरी को इंदौर में 665 और भोपाल में 499 एक्टिव केस हो गए। 24 फरवरी को इंदौर में 740 तो भोपाल में 496 एक्टिव केस हुए। 25 फरवरी को इंदौर में 803 तो भोपाल में एक्टिव केस की संख्या 515 हो गई। उधर सरकार अब लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। इससे महत्वपूर्ण है कि जनता में जन जागरण हो, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम मास्क लगाएं, हम भीड़ भाड़ वाले स्थान से जाने में अपने आप को रोकें। एमपी में कोरोना रिटर्न्स की स्थिति बन गई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बढ़ते मामले भी एमपी की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के कई जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। ऐसे में एमपी के लिए अलर्ट वाली स्थिति है। टीम न्यूज स्टेट। बिल्कुल, एमपी के लिए अलर्ट वाली स्थिति, और ऐसे इस स्थिति से अब कैसे हम निपटेंगे, ये बड़ा सवाल है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं डिबेट की शुरुआत शिव अनुराग पटेरिया जी आपसे करना चाहूंगा, राजनीतिक जवाब होंगे इसके बाद, लेकिन सबसे पहले आप क्या समझते हैं, ये जो कोरोना रिटर्न्स की बात हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्या ढिलाई सरकार की तरफ से ज्यादा हुई, या लोगों ने लापरवाही ज्यादा बरती, या जो हमने मानक सेट किए थे उनका ठीक तरीके से पालन पिछले कुछ महीनों में होना बंद हो गया? ये तीनों चीजें मध्य प्रदेश पर लागू होती हैं। आम लोगों ने भी मान लिया कि कोरोना चला गया है, सरकार ने भी जो सख्ती करना चाहिए थी वो सख्ती नहीं की, और मध्य प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लापरवाह होते चले गए। मध्य प्रदेश विधानसभा के दो सदस्य, एक मंत्री है, अब उन्होंने कोरोना को लेकर मास्क न लगाने के अलग अलग कारण दिए। उन्होंने एक कारण ये दिया कि मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ताकत आ जाती है, योग करती हूँ। दूसरे ने कहा नहीं, उल्टी लगती है मुझे। एक है रामबाई और दूसरी है मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर। इसके अलावा उसी दिन नूतन महाविद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें दो मंत्री पहुंचे थे और दोनों बिना मास्क के थे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यथा राजा तथा प्रजा, सीट्स पर बैठे हुए लोग जो करते हैं उसका लोग अनुपालन करते हैं। राजधानी के चाहे न्यू मार्केट हो, चाहे 10 नंबर मार्केट हो, चाहे मनीषा मार्केट हो, आपको जिस तरह से लोग घूमते फिरते देखते हैं वो फरवरी 2020 की मुझे याद दिलाते हैं। सबसे बड़ी बात है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सड़कों पर लिखा होता है, लेकिन लोगों के दिमागों में कोरोना ने नहीं लिख पाया है, लोग मानने लगे हैं कि, और दूसरे एक कई जो समुदाय ऐसे हैं जो कोरोना को मानते ही नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। मुझे लगता है ये तीनों चीजें हैं, सख्ती नहीं, सरकार ने भी ढिलाई दी और समाज ने उसका खूब दुरुपयोग किया। लेकिन फिर मैं एक निवेदन करूंगा, जितनी चिंता जताई जा रही है उतनी हालात खराब नहीं है। सबसे बड़ी बात है एक पैनिक क्रिएट मीडिया के एक सेक्शन के द्वारा किया जा रहा है।
जैसे दो दिन से लगातार कहा जा रहा है कि भोपाल में कर्फ्यू लग जाएगा, इंदौर में कर्फ्यू लग जाएगा, 12 जिलों में कर्फ्यू लग जाएगा, मुख्यमंत्री कहते हैं सावधानी बरतिए, तो मुझे लगता है सरकार की तरफ से सूचित किया जाना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। अगर कर्फ्यू लगना है तो लगा दीजिए हुजूर, लेकिन कहते हैं ना मौत से ज्यादा मौत का भय खतरनाक होता है। ये भय जो दो तीन दिन से लोग पैदा कर रहे हैं, ये कौन पैदा करवा रहा है, क्यों पैदा करवा रहा है, कहीं कोई बेस्ट इंटरेस्ट तो नहीं है, वो अस्पताल तो नहीं है जिनको सैकड़ों करोड़ रुपए मिले हैं। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ जरूर है, क्योंकि हालात उतने खराब नहीं। मैं भोपाल में बैठा हूँ, बहुत ही न्यू नॉर्मल के साथ लोग चल रहे हैं, ये बात सही। अगर सख्ती की जाए तो लोग ठीक हो जाएंगे। आप क्या कर लेंगे कर्फ्यू लगा के? कर्फ्यू पहले भी लगाया था आपने, क्या पालन हुआ? देखिए दिखाने वाली बात कुछ और होती है, होता कुछ और ही है पटेरिया जी। लेकिन एक कारण तो है कि एक्टिव केस अब लगभग 2500 हो गए हैं, जो एक समय 2000 के नीचे चले गए थे, और ये रेशियो पिछले 8-10 दिन में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो चिंता तो है रजनी जी। अब ये चिंताएं आ रही हैं, और एक बात जो पटेरिया जी ने बड़ी अहम कही वो ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से जो संदेश आना चाहिए था मुखिया की तरफ से तो आया, लेकिन बाकी लोगों ने जो अलग अलग तर्क दिए उसका संदेश सर नीचे तक तो जाएगा, लोग भी लापरवाही बरतेंगे, वो भी कहेंगे हमें भी उल्टियां लग जाती हैं, तो सख्ती आप लोग कैसे करवा पाएंगे? देखिए मुझे लगता है ये विषय ऐसा है कि हर एक की अपनी स्वयं के स्वास्थ्य और जान का मामला है, इसलिए हर एक को सावधानी रखनी होगी। विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे पत्रकार हो, साहित्यकार हो, कलाकार हो, खिलाड़ी हो, कोई भी हो, अगर वो मनुष्य है और कोविड का जो प्रकोप है तो उससे उन सावधानियों से ही बच सकता है, वरना दिक्कत खड़ी हो सकती है, संकट आ सकता है। ये सच कड़वा हो या नंगा हो, लेकिन ये सच सच है और इस सच को सबको समझना होगा, किसी पदों पर कोई भी क्यों ना बैठे। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र से सटा हुआ मध्य प्रदेश है, और महाराष्ट्र में जिस तेजी के साथ में संक्रमण फैला, हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जो महाराष्ट्र से जिनकी लगातार आवाजाही होती है, इंदौर महानगर में कई प्रकार से आप देखते हैं कि वहां से सीधा संबंध महाराष्ट्र से रहता है, लोग हर दिन फ्लाइट से आते हैं और जाते हैं, और उस तरफ भी सावधानी बरतने का प्रयास हुआ है, लेकिन कुछ क्रम बढ़ता हुआ दिखा, यानी पैनिक क्रिएट हो गया एकदम से सब कुछ, लेकिन सतर्कता के लिहाज से कुछ जरूर संक्रमण बढ़ता हुआ दिखा, और इंदौर भोपाल और बाकी समीपस्थ इलाकों में इसीलिए आगाह करने का काम हुआ है। और मुझे लगता है कि सरकार ने आगाह किया ही है, लेकिन समाज के बाकी लोग भी, चाहे वो नेता हो, तो चाहे जनता हो, चाहे किसी भी तौर पर किसी भी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, जो उसके डूज एंड डॉन्ट्स हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उसका पालन करना ही होगा, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिन अस्पतालों का जिक्र कर रहे आदरणीय पटेरिया साहब, उन अस्पतालों का मुंह हमें देखना ही ना पड़े, और अगर कोई ऐसी सोच भी बना के चल रहा है तो हम उनके मुंह पे तमाचा मारें, मास्क लगाएं, भीड़ से बचें, जो कहा गया है उसका पालन करें। लेकिन एक चीज मैं अमीनुल जी के पास जाऊं, उससे पहले और पटेरिया जी ने एक सवाल उठाया, उसका जवाब मैं रजनीश जी आपसे चाहूंगा कि सरकार हम निपटेगी कैसे? मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो हम नहीं लगाएंगे, वैसी परिस्थिति हम नहीं चाहते हैं, लोगों का रोजगार छिन गया, इकोनॉमी हमारी मध्य प्रदेश की भी बहुत अच्छी नहीं है, बजट आने वाला है, जन जागरूकता की बात कही जा रही है सर, जन जागरूकता तो एक साल से चल रहा था, तो वो कम कैसे हो गया? लोगों की समझ तो कोरोना के प्रति बन गई थी, वो फिर से लापरवाही कैसे आ गई, और अब कैसे आप दोबारा जागरूक कर पाएंगे? क्योंकि कुछ लोगों के जहन में ये चला गया है कि कोरोना कुछ था ही नहीं, ये तो डर बैठाया गया। उसका कोई इलाज नहीं है, पर कैमरा आप अपना पैन करेंगे और देखेंगे, चाहे भोपाल महानगर हो या छोटे छोटे कस्बा हो, तो समझ में आ जाएगा कि लोगों के जहन में क्या है। सरकार के कारण केवल आप सवाल करेंगे तो मुझे लगता है कि वो मामला बनेगा नहीं, पूरे समाज को सचेत रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, और जो कहते हैं कोरोना कुछ नहीं हो, बाद में सरकार के नाम पर बिल फाड़ना शुरू कर देते हैं, मुझे लगता है ये भी ठीक बात नहीं है। अगर कोरोना का संक्रमण फैल गया तो सरकार के कारण फैला, और हम जो लापरवाही कर रहे नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हम तो क्यों नहीं सवाल, सकते सवाल तो कोरोना तो कुछ है ही नहीं, कोरोना तो कुछ होता ही नहीं है, कोरोना के नाम पर दहशत फैलाई। सवाल मेरा ये था, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। एक साल बाद भी क्या हम जन जागरूकता की तरफ बढ़ रहे हैं? एक साल में इतनी जन जागरूकता तो हो गई है, शायद अब ऐसे लोगों पर सख्ती की भी जरूरत है। नहीं, जन जागरूकता का समय समय पर पालन करवाना ही पड़ता है, सत्य बोलना चाहिए ये बार बार कहना पड़ता है,
बार बार बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, बड़ों को भी पढ़ाया जाता है, गीता के श्लोक हर दिन लोग दोहराते हैं, तो कई बातें कई बार रिपीटेशन में आना पड़ती है। भय जो कोरोना का है वो लोगों के अंदर बहुत तेजी के साथ में है, वो बताना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में संक्रमण फैला, हमारे कुछ इलाकों में संक्रमण की दर फिर बढ़ना शुरू हो गई है, इसलिए सचेत रहिए। जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो मुझे लगता है बिल्कुल उस तरफ हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, और उसका सबसे अच्छा उपाय है सावधानी रखिए, किसी को मौका देने का कोई कारण नहीं है। अमिनुल जी, और हाँ, शक्ति की बार बार पूछ रहे हैं, मैं फिर कहता हूँ कि वो मौका भगवान ना करे आए, वो भगवान ना करे वो मौका आए कि सरकार को शक्ति बरतना पड़े। ठीक अमिनुल जी, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं सर, जनप्रतिनिधि भी खूब लापरवाही कर रहे थे इस दौरान, मास्क हम चेहरों पर नहीं देख रहे थे, कांग्रेस पार्टी अब इस दौर को किस तरीके से देख रही है, क्योंकि दोबारा लॉकडाउन कोई नहीं चाहता है, राजनीति हो रही है, आप लोग भी लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि सरकार की तरफ से ढील हो गई, ये परिस्थिति क्यों बनी है इस वक्त प्रदेश में कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि कोरोना रिटर्न्स ना हो जाए? देखिए लोकेंद्र जी, मध्य प्रदेश की सरकार ने यह मान लिया था कि कोरोना खत्म हो गया, कोरोना कहीं नहीं है, जो हमारे कोविड सेंटर्स थे वो बंद कर दिए गए, जो अस्थाई हमने मेडिकल वर्कर्स लगाए थे जिस समय कोरोना एक पीक पे था तो उन लोगों को हटा दिया गया, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे उनके मुआवजे रोक दिए गए, उनको रोक दिया गया। अब सवाल ये सबसे बड़ा उठ रहा है कि जिस तरह से ये नया स्ट्रेन आ रहा है, जो इस समय वैश्विक रूप पे नए नए तरह के वायरस आ रहे हैं, नए नए तरह के स्ट्रेन आ रहे हैं, तो उसको लेके प्रदेश और देश को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से हमारा हेल्थ सिस्टम जो है उसको इतना मजबूत किया जाए कि इस तरह का कोई भी वायरस आता है तो हम उससे लड़ें। पिछली बार जब कोरोना आया, जब पूरी तरह से आया, आज लगभग एक साल होने जा रहा है कि कोरोना जब अपनी पीक पे, एक बार हमने पहली बार नाम सुना दिसंबर में चाइना में, हिंदुस्तान में आते आते मार्च में लॉकडाउन की स्थिति हुई, पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, तो एक साल में मध्य प्रदेश की सरकार ने आने वाले चाहे कोरोना हो या इस तरह के वायरस हो उनकी क्या तैयारी की, ये विश्लेषण करने की बात है। क्या हमारे जो हॉस्पिटल्स की हालत एक साल पहले थी उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, हमने हमारे हेल्थ वर्कर सिस्टम में कितने लोगों को और रोजगार देने का काम किया कि इस तरह की आपदाएं आए तो हम निपट सकें, पर हमारी जो सरकार थी वो तो बिल्कुल कुंभकर्ण के माफिक सोई रही, चाहे वो जो हमारे मजदूर यहाँ से आए उनके पलायन की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, लॉकडाउन लगा दिया, उसके बाद किस तरह से उस चीजों को रिव्यू किया जाए कि आगे जिस तरह की आपदाएं दिख रही हैं, नए नए स्ट्रेन पिछले शो में दिख रहे हैं, उनको कैसे रोका जाएगा, और अगर वो भारत और विशेषकर मध्य प्रदेश में आएंगे तो उनसे किस तरह से लड़ा जाएगा। मार्च जून 2020 का एक आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश के 5 जिलों में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, आज भी वही स्थिति है, हम वहां पे वेंटिलेटर आज भी नहीं दे पाए, ये एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि कोरोना के हर पेशेंट को वेंटिलेटर लगेगा, पर हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके क्या काम कर सके। आपने 30 करोड़ के लगभग करोड़ों रुपए का जो चूर्ण बांटा, आपने कोरोना में भी भ्रष्टाचार को चुना, भ्रष्टाचार करने में मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई कमी नहीं की, अभी विधानसभा में भी ये प्रश्न उठा कि जो आपने गाढ़ा बांटा 30 करोड़ रुपए जिस पर खर्च किए, कहां बांटा, किसने खाया, क्या किया। चलिए मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, रजनीश अग्रवाल जी से मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन मुझे छोटे से ब्रेक लिए आप रुकना है। रजनीश जी मुस्कुरा रहे हैं और मैं चाहूंगा इस पर वो जवाब तैयार रखे, छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौट रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है। आपके मुद्दे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर चर्चा हो रही है, 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश जी, तमाम आरोप लगाए गए अमिनुल खान जी की तरफ से, उन्होंने कहा कि चूरन में भी घोटाला कर दिया, ढिलाई बरती गई और जो तैयारी होनी चाहिए थी उस तैयारी में भी कमी दिखाई दी। सर रिएक्ट कीजिए। देखिए पहली बात तो यह है कि कांग्रेस शासित राज्य प्लस केरल, कांग्रेस शासित राज्य बोले तो महाराष्ट्र के समर्थन से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल 69% मरीज हुए हैं, 69, और महाराष्ट्र में कई बार 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 लौट के आने का काम वहां हो रहा है। मध्य प्रदेश की संक्रमण दर सबसे कम, रिकवरी रेट सबसे अच्छा, मृत्यु दर सबसे कम होने का काम हुआ है, और हमारे ये तमाम प्रयासों के कारण। एक बात, दूसरी बात, कोई स्ट्रेन ब्रिटेन का मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं आया है, भय व्याप्त ना किया जाए, ना इस प्रकार का कोई मामला मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है।
मध्य प्रदेश सतर्क है, समर्थ है और लगातार जनता को भी अपनी सतर्कता के साथ में जोड़ने का काम कर रहा है। तीसरी बात, अभी काड़ा बाटा है, जरूरत पड़ेगी तो और दूसरे उपाय भी करेंगे। हमने अस्पतालों का प्रबंध भी किया, आप तो छोड़ के चले गए थे और जो काम करना था, मैं तारीख बार फिर से सिलसिले बार नहीं गिनाना चाहता, लेकिन वो आपने नहीं किया। वेंटिलेटर्स की जरूरत का मामला है, तब पर्याप्त उपलब्ध है, 0.5% भी कोरोना के COVID-19 के पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, हालांकि पर्याप्त मात्रा में हर जिले में वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, पीएम केयर्स के माध्यम से बाद में भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो 70 सालों में आ रहा हूं अमिनुल जी आपके पास, उससे जस्ट दुगनी संख्या पीएम केयर्स से। एक सवाल था सर मेरा, ये कांग्रेसियों को समझना चाहिए, ये कांव कचर 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 करते रहते हैं मुद्दे पर, तर्क और तथ्यों के सामने। पूरी कांग्रेस को चेतावनी देता हूँ कि काड़ा में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार हो तो सिद्ध करें, विधानसभा चल रही है विधानसभा में सिद्ध करें, मीडिया के सामने करें, जनता के सामने। केवल भ्रष्टाचार कहने से नहीं होता, क्योंकि नियत में भ्रष्टाचार, इनके बोल वचन में भ्रष्टाचार, इनके जहन में भ्रष्टाचार, इनके कर्तव्य में भ्रष्टाचार। रजनी जी, रजनी जी, एक मिनट, इनको केवल भ्रष्टाचार नजर आता है। ठीक, बहुत शांति से बहस को हम आगे ले जा रहे हैं। आपने क्योंकि अदर राज्य से कंपैरिजन की, तो सर महाराष्ट्र में जो टेस्टिंग है वहां पर लगातार 80,000-70,000 इस तरह के टेस्ट हो रहे हैं। नहीं, ये सरकार और बिल फाड़ने का काम, और मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण मामले में, संवेदनशील मामले में, ये बिना तथ्यों तर्कों के नहीं चलेगा। सर तथ्य पेश कर रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश में टेस्टिंग है सर, वो 20,000 के ऊपर भी पिछले 7-8 दिन का मेरे पास आंकड़ा है, 18 फरवरी के बाद का। और महाराष्ट्र से आपने कंपैरिजन की, लगातार 60,000-70,000-80,000 टेस्ट हो रहे हैं वहां पर, हम 20,000 टेस्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, नहीं कर पा रहे, नहीं किए हैं। जिस प्रकार से पेशेंट्स की कमी हुई, इसीलिए डेडिकेटेड जो कोविड हॉस्पिटल्स थे वहां कई जगह के बंद कर दिए गए और केवल भोपाल का यहाँ चालू किया गया। मुझे बहुत स्पष्ट है, ये पैरामीटर्स बने हुए होते हैं, जब पेशेंट्स नहीं हैं तो उस लिहाज से करने की आवश्यकता महसूस नहीं। महाराष्ट्र में कर रहे तो हम भी करें, ये बेवकूफी है जो ये कहता है, ये जरूरी थोड़ी है। हाँ, जहां जरूरत होगी, अगर हम रोक रहे हो तो बताओ कि हमने नहीं साहब, यहां हम नहीं करेंगे जांच, नहीं करेंगे हम, नहीं करना हमें, ऐसा किया क्या? नहीं सर, रैंडम सैंपलिंग हुई ना। मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल तथ्यपूर्वक और तार्किक ढंग से करना चाहिए। महाराष्ट्र में कर दी, क्योंकि वहां महाराष्ट्र में फैल रहा है। पटेरिया जी से पूछ रहा हूं, पटेरिया जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो टेस्टिंग कम हुई है, इतनी जरूरत नहीं थी यहाँ पर। महाराष्ट्र में अगर 80,000 हो रही है तो वहां पर ज्यादा जरूरत थी। एक तो ये सीधा सा नियम है सर, शायद से टेस्टिंग कम होंगी तो मामले भी कम होंगे। आप किस लिहाज से देखते हैं इसे मध्य प्रदेश में? पटेरिया जी, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं इस पर अमिनुल जी का रिएक्शन ले लेता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, बोलिए। देखिए रोहित जी, मैं सीधी सी बात कहना चाह रहा था, जिस तरह हर बात पे कोरोना जैसे सेंसिटिव इश्यू पे आजकल आपने देखा होगा, नरोत्तम मिश्रा जी ने मास्क नहीं लगाया था तो बहुत सारे पत्रकार और जो हमारे अखबार आते हैं उन्होंने उनके फोटो को दिखाना बंद कर दिया। ये आप ही जिस तरह से रजनीश अग्रवाल जी हंस के और जिस तरह से चिल्ला के जवाब दे रहे हैं, ये बता रहा है कि इतने सेंसिटिव इश्यू को लेकर आगे के प्रति उनकी तैयारी है। शुरुआत में भी मंत्रियों ने लगाए नहीं, उषा ठाकुर जी के बयान आए, सब चीजें आपके सामने कि भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश की सरकार कितनी संवेदनशील है कोरोना को। अब मैं एक और विषय पर चर्चा करता हूँ। एक साल पहले जब कोरोना आया था तो एक बहुत बड़ा इलाज कोरोना होता है, पर उस हॉस्पिटल में तो कोरोना का इलाज होता है, सेंटर बनाया, पर उससे उसका कैशलेस का कार्य नहीं था। जो लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई बार कई लोगों ने क्या आप इंश्योरेंस सरकार के माध्यम से कब कब किन्होंने लगाया, उससे सवाल नहीं है। सवाल संवेदनशीलता के साथ में बड़ा व्यापक स्तर में बात करनी चाहिए, कुछ तो चर्चा करना है। जिम्मेदार पार्टी के तौर पर कांग्रेस राहुल बुद्धि से ही चलेगी क्या? राहुल गांधी के बुद्धि से? लेकिन रजनीश अग्रवाल जी अपनी बुद्धि में लगाते हैं, एक संवेदनशील मामले में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं।
तक तो क्या कहना है, बकवास किया जाना है संवेदनशील मुद्दे पर? एक मिनट पटेरिया जी, सवाल ये था कि टेस्टिंग मध्य प्रदेश में 15,000 भी नहीं हो रही है सर रोज, आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है? रजनीश जी कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है, मध्य प्रदेश में केस कम आ रहे हैं। देखिए मुझे लगता है टेस्टिंग ज़्यादा कराने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रजनीश जी का भी कहना सही है, हालात तो उतने ख़राब नहीं जितने की प्रचारित हो रहे हैं। फिर मैंने अपनी शुरुआती जब ये मामला भी नहीं आया था तब मैंने कहा था एक अलग किस्म का पैनिक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, जबकि हालात उतने ख़राब नहीं है, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ ठीक ठाक हैं और लोगों को बस सावधान करना है। सबसे बड़ी बात है सरकार से ज़्यादा समाज की जवाबदारी है, जब तक समाज सचेत नहीं होगा तब तक आप इस पर अंतिम क्षणों पर ही काबू नहीं पा पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन को बहुत अर्ली स्टार्ट करना चाहिए था, जो 7 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये फरवरी में स्टार्ट हो गया होता तो काफी हद तक काबू पा लिया गया होता। हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, लेकिन वैक्सीन हिंदुस्तान के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को भी लग जाए बहुत अच्छा होता। तो मुझे लगता है सरकार से ज्यादा समाज की जवाबदारी है, व्यक्ति की जवाबदारी है। दूसरा, उन नेताओं को पनिश किया जाना चाहिए, जो भी 100, 200, 500 रुपए का दंड है जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन अफसरों को भी पकड़ना चाहिए जो 4 इमली से बिना मास्क के अपनी गाड़ियों में गुजरते हैं, उन पत्रकारों को भी फाइन ठोकर ठोका जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और फिर अगेन एंड अगेन मैं बात कह रहा हूं कि पैनिक ज्यादा है, हालात उतने खराब नहीं है, निश्चित तौर पर केसेस आ रहे हैं, लेकिन उतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर गए तो कहते हैं डर गए तो मर गए, सबसे बड़ी बात है। आखिरी रिएक्शन रजनीश जी आपसे, ये बहुत अहम है सर कि जो लोग जागरूक हैं ऑलरेडी, जिसमें मंत्री भी है हमारी, अगर वो ये कहेंगे कि मैं योगा करती हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो उनको पनिश करना पड़ेगा सरकार को। विधानसभा में अगर लोग मास्क नहीं पहन के आएंगे तो शुरुआत वहीं से करनी चाहिए कि चालान काटा जाए उन लोगों का। ये लोग तो जागरूक हैं सर, तभी तो एक संदेश जाएगा। आपको पता है कि वैक्सीनेशन इतनी जल्दी होनी नहीं है सबकी, और ऐसे में लापरवाही ये हमारे लिए मुसीबत भरी हो सकती है। तो पहले जनप्रतिनिधि, उसके बाद जो और लोग हैं वहां से ये जन जागरूकता चलना चाहिए फिर अभियान। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा कि वो निश्चित तौर पर विधायकों को आगाह करें, सरकार से जुड़े हुए लोग भी, अधिकारी हों, पत्रकार भी हों। पत्रकार भी मास्क नहीं पहनेंगे, सवाल करेंगे कि आप मास्क क्यों नहीं पहना, आपने तो नहीं चलेगा, मास्क पहन के सवाल करो तो ज्यादा अच्छा बनेगा। मेरे साथ में एक पत्रकार वार्ता में केस हुआ, मेरा मास्क नीचे था, उन महानुभाव का भी नीचे था, वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप मास्क क्यों नहीं पहने, मैंने मास्क लगाया, आपके सवाल तो आप तो भी कर लो। तो सवाल ये है कि हम दूसरों पर सवाल खड़ा करने से पहले स्वयं भी एक करें, और निश्चित तौर पर कोई बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, ये उनको तमाम प्रकार की जो डूज एंड डॉन्ट से पालन करना ही होगा। आदरणीय पटेरिया साहब का बिल्कुल सही कहना है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, कोरोना में भेदभाव हम नहीं चाहते हैं। पटेरिया जी हमारे साथ बने रहेंगे, और आपका शुक्रिया रजनीश जी जुड़ने के लिए, अमिनुल जी आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में जो स्थिति बन रही है, एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि पिछले कुछ दिनों में जो लापरवाही हुई या आने वाले त्योहारों में लापरवाही हो, कि हमें फिर से 2020 की कड़वी यादें जीनी पड़े 2021 में भी। तो ऐसे में सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी इस वक्त आम लोगों के लिए हो जाती है। छोटे से ब्रेक के बाद बात छत्तीसगढ़ की होगी।